हम साथियों का एक बड़ा मुकाबला लेकर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। ज्यादा संख्या में मुकाबले को कर दीजिएगा शेयर। अच्छा मुकाबला निश्चित तौर पे होगा यहाँ। तो जो भी साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं जुड़ जाइए, शेयर कर दे मुकाबले को। शेयर करें जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े मुकाबले को। लाजवाब मुकाबला होगा। अभी फिक्स नहीं है नेक्स्ट मैच किसका होगा। राम राम भाई सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, तो दिल्ली पहले कर रही है बल्लेबाजी और तारानगर की टीम कर रही है गेंदबाजी। तो शेयर करते साथी मुकाबले को, इस बेहतरीन मुकाबले को लेकर हम जुड़ चुके हैं। सभी भाई को राम राम, सभी का वेलकम, सुस्वागतम। और ये डरा ने गेंद छोड़ा है यहाँ पे। राजगीर की टीम भाई बाहर हो गई है, राजगढ़ हार के बाहर हो गई है पटौदी के सामने। पटौदी की टीम है वो पहली टीम बन गई है फाइनल में जाने वाली। सभी भाई को राम राम भाई, शेयर करते साथियों मुकाबले को। डारा वार्नर स्टार खिलाड़ी नजर आएंगे आपको। डारा फील्डिंग वाली टीम है भाई, डारा हो रहा, डारा फील्डिंग वाली टीम है। जी हाँ, तारानगर की टीम है, मंडला की टीम बाहर होगी हार के। आज तुम होता जाबासर की टीम भी आएगी। आदिल जाबासर है भाई, साक नवलड़ी, राम राम भाई, साक भाई राम राम, सभी भाई को राम राम। बॉलर का एक्शन बुमराह जैसा है भाई, बुम बुम बुमराह। चार रन के लिए संभवत है, अभी कंफर्म नहीं है। राम राम भाई, श्याम भाई, ओहो बेखौफ आ गया, बेखौफ चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है। तो जितने भी दर्शक हैं सभी शेयर करें, बेखौफ चौधरी साहब अपनी आईडी से आप जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे प्रशंसक हैं अपने क्षेत्र में भी डारा के। शुभ संध्या सभी मित्रों को, नमस्कार दोस्तों को नमस्कार। सुमेर नाइक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है। बेहतरीन आवाज संजय बैनर्जी भाई। फाइनल कल खेला जाएगा, एक सेमीफाइनल और एक फाइनल मुकाबला कल खेला जाएगा।
यहाँ नहीं हो रही है भाई बारिश, हवाएं चल रही है तेजी से। इलाहाबाद का मैच होगा भाई, जैसे टीम पहुंचती है हो जाएगा। नदीम धंदूरी का मैच भाई, नदीम धंदूरी की टीम हार के बाहर हो गई है। हेलो भाई मुश्ताक, हेलो भाई डारा आया है, भाई डारा आए हैं, विकेट कीपर कर रहे हैं, डारा अभी कीपिंग कर रहे हैं। बढ़िया हाल है बेकअप चौधरी, बढ़िया हाल है भाई बाबा जी। और डारा आपको नजर आ रहे होंगे जी, आप तो सभी साथियों जरूर शेयर करें डारा के लिए भी। और वार्नर उचाणा जो विजेता टीम रही थी इंडिया कप, उसमें खेले हुए हैं विजेता टीम में। जी हाँ उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आज देखते हैं कैसा करते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू। दीपू भाई नहीं आए, गुड लाइफ, थैंक यू सभी साथियों का। और ब्रेकिंग न्यूज सेट और रेडी फाइनल में। हेलो भाई पिंकू, हेलो हेलो शकील सांकला। शकील सांकला का स्वागत, राम राम भाई मुमकिन। मनोज भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है मनोज भाई जी। बिल्कुल बच्चे देख रहे हैं, और चिराग और जैविक क्या बात है, बहुत खूबसूरत नाम है। वाह ये बढ़िया शॉट है हुड्डा का, 6 रनों के लिए, बढ़िया है। आर्यन बड़गुदर भाई बढ़िया है, राम राम सा बढ़िया है भाई, बढ़िया है मुमकिन भाई, बढ़िया है भाई। उमेश अमर सिंह वाला आया है क्या, कौन सी टीम की बात कर रहे हैं आप। मुरलीधर बीकानेर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राम राम भाई जी, राम राम। जाबासर में भाई अभी देखते हैं, जाबासर की टीम पहुंची नहीं है। और मान कोकर है क्या तारानगर में, पूछ के बताएंगे भाई मान कोकर का। जी हाँ, तो आप शेयर नहीं किया साथियों, मुकाबले को शेयर कर रहे हैं, ये लीजिए एक और लंबा हिट 6 रनों के लिए। डॉक्टर बटिंडा का भी देखते हैं, टीम आएगी उस हिसाब से पता चलेगा डॉक्टर बटिंडा किस मैच में आते हैं। बड़े खिलाड़ी पंजाब के, इंतजार करना पड़ेगा आर्यन भाई, अभी घोषणा नहीं हुई अगले मैच की, जैसे अगले मैच की घोषणा होगी हम बता देंगे। हुड्डा भाई दिल्ली से हैं, ये हुड्डा जी हैं, ये दिल्ली से हैं। निकल गई है गेंद, कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के पास। ओ रोक लिया है भाई अंत में, अंदर फेंका गेंद को। रात की टीम बाहर हो गई भाई, हार के दीपू लेफ्टी नहीं है भाई आज, दीपू लेफ्टी नहीं है, फाइनल कल होगा, आज नहीं है भाई, ये प्री क्वार्टर फाइनल है। रावत रावत के ओ हो जबरदस्त धुलाई हो रही है भाई यहाँ गेंदबाजों की, क्या बल्लेबाजी हो रही है। दारा भाई फील्डिंग की टीम में है, फैजल आउट है, बॉल पे छक्का लग गया आवेश इस गेंद पे। तो नदीम की टीम हार के बाहर हो गई है दोस्त, रात्रि की टीम हार के बाहर हो गई है। बढ़िया है जनाब खान, बढ़िया है, बढ़िया रवि जोगा साहब, बढ़िया है, स्वागत है, स्वागत है हरियाणा से।
उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है भाई, कल हम उसकी हाईलाइट डालेंगे, अभी 4-5 दिन लगेंगे उसको सही होने में, वीडियो में फेसबुक की थोड़ी, और वो जिस ऐप से लाइव कर रहे हैं उसमें थोड़ी दिक्कत है, अपलोड हो नहीं रहा ऐप से। भाई बादरा में चल रहा है मैच, तो शेयर करते रहे साथी मुकाबले को। अगला मैच हो सकता है भाई उजवा का, नेक्स्ट मैच। आवाज कैसे भी करके क्या करें राकेश भाई, हमने तो बोल दिया भाई, देखते हैं अनिल भाई, फाइनल तो कल होगा, सेमीफाइनल भी कल होगा। मंडला की टीम बाहर हो गई है, दवा सर का मैच अभी कंफर्म नहीं है कितने बजे है। अंबर कौन सी टीम है भाई, जरूर बताइएगा टीम का नाम बताइए, अंबर कौन सी टीम में खेल रहा है। अजीत गढ़वासरा भाई जाबा सर की टीम में नजर आएंगे, आ सकते हैं। नहीं भाई बारिश नहीं हो रही, रोहित दास भाई बारिश नहीं है भाई, लिखा हुआ आ रहा है उचाणा मंडी बना मोबाइल, दिल्ली मोबाइल गैलरी तारानगर के बीच हो रहा है मैच, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं भाई, लिखा हुआ आ रहा है, आप देखिए एक बार थोड़ा नजर डुलाइए, और कैप्शन के ऊपर भी हमने लिख रखा है। सभी भाइयों को राम राम भाई, सभी का वेलकम है, राम राम है सभी साथियों को। एक बार दारा भाई फील्डिंग वाली टीम में है, फील्डिंग कर रहे हैं, कीपर है दारा। आर्यन भाई नंबर, मेरे नंबर सीधा नहीं बता सकता, आप मैसेज कर देना राज क्रिकेट व्यूअर के पेज पे, हम आपको नंबर दे देंगे। है भाई है प्रमोद भाई है डारा है ये रे डारा, किस पर नंबर वाले डारा। जी हाँ बिल्कुल श्याम भाई, किसी तरह का शिकायत रहेंगे भाई, इस टीम में नहीं अजीत, इस टीम में एक ही बार का खेल सकता है शहर की टीम में, और वो बार के हैं डारा, अजीत है बताते हैं। जाबासर की टीम है भाई अजीत गढ़वासरा, जाबासर की टीम है अजीत गढ़वासरा, जाबासर में है अजीत गढ़वासरा। राम राम भाई, हेलो भाई राम राम। अजीत गढ़वासरा और सुंडा, अजय सुंडा, ये जाबासर की टीम में नजर आएंगे भाई। वो फेसबुक की प्रॉब्लम आ रखी है, उसमें लाइव ही दिखा रहा है मैच अभी भी। सफल आयोजन से प्रभावित होकर नीतीश राणा के द्वारा बड़ा ऐलान किया गया है, टूर्नामेंट खत्म हो गई। नेक्स्ट डे गोल्डन क्रिकेट क्लब के तमाम कार्यकर्ताओं को नीतीश राणा की ओर से VIP पार्टी दी जाएगी इस सफल आयोजन के लिए, ये बहुत ही सराहनीय पहल, नीतीश राणा का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई वो नहीं है दिल्ली बाजू जो MP के, वो नहीं है। हाँ भाई मंडी बैटिंग कर रही है, डारा फील्डिंग कर रहे हैं। अगला मुकाबला उजवा दिल्ली बनाम एलानाबाद के बीच खेला जाएगा अगला मुकाबला। उजवा मंडी और एलानाबाद दोनों टीमों के कैप्टन आ जाएंगे।
धारा फील्डिंग वाले टीम में दीपू नहीं आया। शकील भाई साथ में शेयर करते हैं आज तू क्या का लक्ष्य रहेगा। एक बार चला देना आप दिखा रहे छोरा खेलने विजन डारा आगे देखो डारा अगले जो बैटिंग आएगी दबाएंगे। फील्डर है नीचे छोड़ दिया केस वार्नर का केस छोड़ दिया भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर दी है यहाँ जी अंकुर सिंह नहीं भाई यहाँ जी हाँ हुड्डा दिल्ली वाले हैं। भाई ये बादरा से लगे जा रहा है 7-7 ओवर का ये मैच है सभी भाइयों राम राम। फील्डिंग में है भाई डारा कुछ शेयर करते रहे साथियों उचाणा वो सामने बैठी हुई है भाई वहाँ पे लाइट जल रही है वहाँ उचाणा की टीम बैठी हुई है सामने वो देखिए डारा है भाई ये डारा है सभी अपने अपने साथियों को मेंशन करें साथियों एक एक जनों को मेंशन जरूर करें आप बिल्कुल देखेंगे आप जुड़े रहे इसी मैच में डारा नजर आएंगे बैटिंग करते हुए अगले पारी में। दीपू नहीं है आज तो भाई सिंह साहब आज दीपू नहीं है। राम राम भाई राजगढ़ और पटौदी के बीच में मैच हुआ था उसमें राजगढ़ को हरा दिया पटौदी ने एक तरफा वो मुकाबला रह गया था। सुरेंद्र बेनीवाल राम राम भाई राम राम दीपू नहीं है भाई निकल गई है भाई 4 रन के डारा जी से हुई है गलती। लव यू उचाणा जी हाँ उचाणा की टीम अगले मुकाबले में नजर आए उजवा मिंडी की माफी उजवा दिल्ली की टीम अगले मुकाबले नजर आएगी। उचाणा बल्लेबाजी कर रही है यहाँ आदिल जाबा सर स्वागत है पहले सबसे पहले तो आदिल जाबा सर खुद की टीम है अरिफ जी सभी भाइयों को राम 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 राम। अरे जादूगर अपना जादू दिखाइए जोड़ी अपने बंदों को डिलीट नहीं किया हुआ भाई वो वीडियो पड़ा है लेकिन वो वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है डिलीट नहीं किया गया वो कल हम उसकी हाईलाइट डाल देंगे वो लाइव दिखा रहा है खाली उसमें लिखा हुआ। तो सभी साथियों एक एक शेयर जरूर करें और अपने साथियों को मेंशन करें आप और आज का टारगेट कहीं ना कहीं आदिल जाबा सर का मैच संभव तीसरा या चौथा होगा दोस्तों। वाह क्या शॉट जला भाई लाइक फॉलो करें पेज को दोस्तों जी हाँ बिल्कुल लाइक और फॉलो करें। बारिश कुछ नहीं आ रही है अच्छा मौसम है। मंसूरी का मैच भी होगा संभवतः तीसरा चौथा मैच होगा भाई मंसूरी का तारानगर फील्डिंग कर रही है लेकिन आप उनके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करें आप सबका टीम से बनवाने को बता दें अगर आप जी हाँ दारा कीपर है नदीम की टीम बाहर होगी भाई नदीम धनोरी वेलकम भाई इरफान भाई सबसे पहले तो ओए होए शॉट देखिए लंबा ऊंचा थैंक यू सो मच दिलशाद मिर्जा और यूनिक इमरान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं नदीम धनुरी भाई बाहर हो गए हैं स्वागत है भाई पहले तो यूनिक इमरान भाई आपका राजस्थान टेनिस ग्रुप के संचालक वेलकम आदिल बहादुर राम राम भाई राम राम। यहाँ बारिश नहीं है साफ मौसम है बिल्कुल क्रिकेट के लिए अनुकूल मौसम है रामपुरा का आज ही मैच है नदीम धनुरी हार के बाहर होगी बेटी उनकी
बिल्कुल आप सभी से यही उम्मीद है और आप शेयर कर देंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पेज को फॉलो भी करें और करवाइए फॉलो। और यहाँ बड़ा विकेट जा सकता है। आदिल का देखते हैं तीसरा चौथा मैच होगा। देखते हैं इरफान भाई कौन लेके जाता है, वो तो अब कुछ कह नहीं सकते। क्रिकेट में बड़े नाम होते हैं। क्या हुड्डा, सभी दिल्ली वासियों काफी दिन से पूछ रहे थे कि कब आएगा हमारा मैच लाइव, और दिल्ली वालों आप शेयर नहीं कर रहे हैं यार। मंडला टीम बाहर हो गई है दोस्तों। दारा जी फील्डिंग टीम है, वो देखिए डारा नजर आएंगे आपको। डिपू नहीं आए भाई आज, बिल्कुल भाई लतीफ भाई जितनी हमारी जानकारी है हम सब आपको बता देंगे। डिपू नहीं है भाई, हमें सोहेल नहीं है। आदिल जावा सर और अजीत कड़वासरा और सुंडा रतनपुरा नजर आएंगे। जावा सर की टीम में साकिर नहीं है। अगला मैच जो खेला जाएगा उजवा दिल्ली, और सामने नजर आएगी उनकी एक टीम और उजवा एलनाबाद बनाम उजवा दिल्ली के बीच होगा अगला मैच। हमें सोहेल नहीं है भाई, फाइनल कल खेला जाएगा। बिल्कुल भाई ताहिर रसूल सारा भाई रामपुरा का आज ही है मैच। मंसूरी की टीम में बिजली बठिंडा डॉक्टर बठिंडा आएंगे भाई। मंसूरी की टीम है डॉक्टर बठिंडा, पंजाब का बड़ा नाम, मंसूरी की टीम में नजर आएंगे वो। और देखिए खिलाड़ी की डिटेल हमारे पेज पे दी हुई है, आप नीचे जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। सात ओवर का मैच है साथियों, अब तीन ओवर बचे हैं, रन काफी बन चुके हैं। जी नहीं, अभी हम हरियाणा के पास में हैं। जी हाँ, मेरे इधर शेयर हो चुके हैं इस मैच में। थैंक यू अजीत बिट्टू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मून साहब आपका। जावा सर का मैच होगा संभवतः तीसरा या चौथा भाई। डॉक्टर बठिंडा भी आज नजर आएंगे आपको, बड़े बड़े स्टार नजर आएंगे। तो जुड़े रहिए, फॉलो करते रहिए। 5K करना है आज दोस्तों, बिल्कुल करना है। शेयर करेंगे और अपने साथियों को मेंशन करेंगे तो निश्चित तौर पर 5K भी हो जाएंगे। जी हाँ, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं वार्नर और श्याम गांव सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपू नहीं आए हैं भाई। अभी कन्फर्म नहीं है अशोक भाई कौन होगी उनके सामने। जी हाँ, राम राम भाई अनिल गोदारा, सभी भाई को राम राम। देखते हैं कौन जीती साथी हूँ, लाजवाब मुकाबला होगा। और काफी दिल्ली के हमारे साथ जुड़े हुए हैं डाकर साहब, कंफर्म करके बताना दिल्ली का मैच कब है। दिल्ली का तीसरा मैच कंफर्म नजर आ रहा है भाई यहाँ से, क्योंकि यहाँ न्यूज आपको भी पता है थोड़ी लेट पहुँचती है, लेकिन टीम आ चुकी है तो मैच होगा जल्दी उनका। जी हाँ, स्वागत है भाई नौसुकान, वेलकम दोस्त लाजनो से हमारे। बिजली डॉक्टर बठिंडा आएंगे भाई, बिजली की टीम हार के बाहर हो गई है। विशाल गोदारा सिट्टू नजर आएंगे आज। सात सात ओवर का मैच है ये, डॉक्टर बठिंडा आएंगे भाई, बिजली बठिंडा हार के बाहर हो गए हैं। चार रन आउट हो गए भाई दिल्ली हुड्डा।
सेंटी ढाबा जो है उनकी टीम हार के बाहर हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया भक्ति सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है बना आपका, वेलकम। जी हाँ, रात की टीम बाहर हो गई है, अब तो अब्दुल्ला नहीं आएंगे भाई, यहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है राज भादरा में, माफ कीजिएगा, यूपी हार के बाहर हो गई है अपने। और एक और छक्का लीजिए, वार्नर है ऑस्ट्रेलिया का नहीं, ये हरियाणा का वार्नर है, क्या बात है। हाँ यूपी हार के बाहर हो गए भाई, वर्मा जी नहीं नजर आएंगे, बिल्कुल मना सकते हैं भाई, ये बहुत घातक खिलाड़ी है भाई ये, और इंडिया कप में जो पंजाब हरियाणा जीती थी उसमें उस टीम के सदस्य थे ये, और नदीम धनुरी की टीम में ये खेल चुके हैं, विशाल गोदारा भी आएंगे। राम राम भाई अरविंद सुंदर, राम राम। अगला में तीसरा मैच हो सकता है भाई सुंडा का, एक और ही लीजिए पटकी भी गेंद फिर से 6 रन के लिए, और 9 बॉल भी डाल दिए यहाँ पे, कितने रन बना दिए हैं, बहुत लाजवाब बल्लेबाजी रही है, देखते हैं। हो सकता है भाई जाबा सर के साथ हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जीतना पड़ेगा, अगला मुकाबला है वो उजवा दिल्ली बनाम एलानाबाद के बीच खेला जाएगा, दिल्ली बनाम एलानाबाद के बीच अगला मुकाबला साथियों खेला जाएगा। यह सभी साथियों का मेंशन किया, सभी का स्वागत है हमारे भाई ने, इस मुतबा काको जितने भी नाम नासु खान ने मेंशन किया सभी जुड़ जाइए भाइयों, विकास पायलट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पठान खीर, वो अपने अपने साथियों को मेंशन करें और जुड़े रहिए। तारा की भाई फील्डिंग वाली टीम है, तारानगर मोबाइल गैलरी, दिल्ली मोबाइल गैलरी, तारानगर की टीम नजर आएंगे आपको। ओहो एक और ये लीजिए, इस ओवर में कितने रन आए हैं, 29 रन आ चुके हैं, 5 गने 29 रन, लंबा छक्का, लंबा दूर, ना जाने कहां गिरेगी गेंद। जी हाँ, वार्नर ऑन फायर, वार्नर हमला करता हुआ नजर आ रहे हैं। जी हाँ, पूरी को मेंशन किया है नसुबा ने इकबाल गेंद को, सभी का स्वागत है भाइयों। जी हाँ, ये उचाना है भाई, बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत बड़ा नाम है वार्नर का, शिवा योगी भाई नाम ले लिया, शिवा योगी तो शेयर कर रहे साथियों इस लास्ट बार बल्लेबाजी के लिए, क्या मुकाबला घटित होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है, बढ़िया हाल है। इंसाफ खिंची हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुजानगढ़ से खिंची स्पोर्ट्स, सुजानगढ़ से स्वागत है। और एक और लीजिए, एक और लंबा ऊंचा, ना जाने कहां गेंद गई है, गेंद गई है रॉकेट बनती हुई, सौर मंडल में गेंद खो चुकी है। और एक और अर्धशतक नजर आ रहा है भाई, क्या बल्लेबाजी की है, बिल्कुल स्वागत किया, इकबाल जी का स्वागत है भाई, वेलकम। तारा फील्डिंग टीम में है, लाजवाब 35 रनों, इस टूर्नामेंट का सबसे महंगा हो रहा है भाई यहाँ से। जी हाँ, नौसु खान आ चुके हैं, स्वागत कर दिया है नौसु खान का भी, सभी पूरी गैंग का, इकबाल गैंग का और इकबाल जी का, नदीम घोड़ीवाला का, सभी का स्वागत है। आज बिल्कुल हम 2K के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, 2K निश्चित तौर पे होने चाहिए, लाजवाब मुकाबला हो रहा है यहाँ। तो शेयर करते रहिए अपने अपने साथियों को, बेकअप चौधरी, वार्नर राजेंद्र चौधरी की तरह, तारा जी जी बिल्कुल बहुत खतरनाक खिलाड़ी भाई है ये, बहुत लाजवाब है, तोप ताप सब कुछ है। जी हाँ भाई, बिल्कुल स्वागत कर दिया है, और रफीक खान का भी स्वागत, बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी रही है यहाँ पे, बेमिसाल बल्लेबाजी रही है ये भाई। टूर्नामेंट पहले तो 10-1 का था, फिर ग्रुप क्लियर के बाद ये टूर्नामेंट है 9-2 का, और शहरी टीम 10-1 का है। इकबाल जी का स्वागत, बिल्कुल लाइव में स्वागत भाई, इकबाल जी का सभी का स्वागत है, सुस्वागत, वेलकम सभी साथियों का। और बेस्ट विकेट कीपर को भी तौफीक भाटी एमके फैशन हाउस की ओर से विशेष तौर पर लाजवाब बल्लेबाजी हुई है भाई। लो कीपर था दारा जी, आ गए गेंदबाजी के लिए, ये लो
जबरदस्त गेंद, लाजवाब गेंद यहाँ पर और बड़ा मुकाबला है, जबरदस्त मैच है ये। कुल मिलाकर अगर हम बात करें इस मुकाबले के अंदर लगातार खुटाई की है, लगातार अच्छी गेंदबाजी करने की दरकार थी। फिलहाल यहाँ पर वीरेंद्र दारा आए गेंदबाजी करने के लिए, देखना होगा। दारा जी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, फिलहाल गेंदबाज के रूप में आए हैं, लाजवाब है ये खिलाड़ी है, लेकिन गेंदबाजी कैसे करते हैं डालेंगे फिलहाल इसी बीच में। और आप लोग यहाँ पर ऑप्शन के काफी ज्यादा बाहर, वाइड जी डेफिनेटली वाइड रहेगी यहाँ पर, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा के रूप में यहाँ पर रन आता हुआ और अतिरिक्त के रूप में एक और रन जुड़ता हुआ। नीरू भाई का नहीं है यार, बल्लेबाजी कहेंगे डेफिनेटली, क्योंकि गेंदबाज जो है गेंदबाज के रूप में इनको कम देखा जाता है, लेकिन बल्लेबाज सबके फेवरेट है। संकट पहुंचा इनको, डबल फाइव, एक बार फिर से दारा चले, दारा की गेंद देखना होगा इस गेंद के ऊपर डाउन करेंगे एक बार फिर से यहाँ पर इस गेंद एक बार वाइड है। दारा जी गलती कर रहे हैं, अभी तो वार्नर सामने नॉन स्ट्राइक पे नजर आ रहे हैं। जाकिर खान शुरू वाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ओ जाकिर खान सिद्ध मुख से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ऐसा बड़वान जुड़ चुके हैं शेयर करते रहे साथियों। नीरज डागर सुन चुके हैं, डागर साहब आपका मैच है आज, और राम राम भाई जी, राम राम। क्रिकेट स्टेडियम इतने खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है, एक बार फिर कल की तरह दर्शकों के रन बहुत मार दिया भाई, अभी तो सात ओवर का मैच है। राम राम भाई, बड़े भाई साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है मणक भाई, वेलकम मा सुस्वागत अम्मा। 102 रन बन चुके हैं 5.2 ओवर के खेल में, यहाँ पे निकल गई है गेंदबाजी के साथ, फील्डर है वहाँ जी। हाँ अगला मैच अपना है, बिल्कुल है भाई नीरज डागर, उजवा दिल्ली का अगला मैच होगा, उजवा दिल्ली बनाम एलानाबाद हरियाणा। अब स्ट्राइक पे रहेंगे हार्ड हिटर बल्लेबाज जो ऊंचाना, ऊंचा नाम में ऊंचाना है इनके, तो ऊंचे तो मारेंगे ये तो निश्चित तौर पे, और तकरीबन 2K होने ही वाले हैं, जस्ट पीछे बचे हुए हैं। वाह भाई स्वाद लेते रहिए, आनंद लेते रहिए, अब आएगा मजा, क्या होगा यहाँ पे। ओहो छा गए भाई बल्लेबाज, वार्नर ये है खिलाड़ी कुछ खास, लगाता है लंबे लंबे प्रहार, नाम है उचाना वार्नर। पांच गेंदे पांच छक्के, राम राम भाई दिनेश भाई, राम राम सभी भाइयों को, राम राम। जावसर का मैच तीसरा या चौथा होगा दोस्तों, अगला मैच उजवा दिल्ली बनाम एलानाबाद हरियाणा के बीच खेला जाएगा। एक बार क्या फिर से लगाएंगे, ओ गति में परिवर्तन, इस बीच वाइड गेंद है, ओ भाई नीरज का नाम बोलो, भाई नीरज का नेम है भोली डागर है, ओके ओके भाई ओके, देखते हैं भाई क्या छटा लगेगा। ये लीजिए छह गेंदे छह छक्के, जिन्होंने इन्हें सामना किया जैसी भी छह गेंदे अपनी खेली है उनमें छह छक्के लगा चुके हैं। ओहो दीपू लेफ्टी की तरह है, बिल्कुल भाई दीपू लेफ्टी से भी खूंखार ये खिलाड़ी है। थैंक यू सो मच 2K के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए शेयर करते रहिए। क्या वार्नर एक और वार करेंगे या फिर गेंद को फिर से सीमा पार करेंगे, तैयार है टारा, टारा 16 दे चुके हैं, क्या विकेट लेंगे यहाँ पे भाई। वो यासी भाई वो अपडेट करने में समय लगेगा उस मैच को, वो ऐप से अपडेट हो नहीं रहा है, कल आपको उसकी हाईलाइट मिल जाएगी मैच की, कोशिश करेंगे हम पूरी। राजगढ़ वाला मैच पटौदी वाला जो है, जी हाँ बिल्कुल है, और बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों का, यूं ही जुड़े रहिए शेयर करते रहिए, यही देखने को मिलेगा इस पेज से भाई यासिफ, कल वो डालेंगे, अब टारगेट 6K का है, बिल्कुल है बिल्कुल होगा, हमारे दर्शक बहुत प्यारे हैं, कहने की आवश्यकता पड़ती नहीं है इनको, ये 2K 3K 4K सारे करवा देंगे। मदन जी गोयल क्रिकेट स्टेडियम पर पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत है श्रीमान मदन जी गोयल का, ओम जी टोपी वाले के भाई हैं। लाजवाब ये मुकाबला चल रहा है, यूं ही जुड़े रहिए शेयर करते रहिए, लाजवाब प्रतियोगिता चलती हुई। वार्नर कहर बरपाते हुए 16 19 में 63 बना चुके हैं, दारा को कैसा महसूस हो रहा है। ओवर की आखिरी बॉल अभी बाकी है, 7-7 ओवर का ये मुकाबला, तो कुल मिलाकर के 7 बॉल का खेल अभी और शेष इस पहली पारी में, 116 रन स्कोर बोर्ड पर इस समय लगाए जा चुके हैं उचाना के द्वारा पहले बल्लेबाजी करते हुए।
जी हाँ, ओपी 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 चल रहा है भाई, सब कुछ यहाँ पे ओपी ही चल रहा है। जी हाँ, कड़ा चश्मा लगाना, बहुत रन बना दिया भाई। डारा जी को शतक ठोकना पड़ेगा। अगला मैच भाई एलानाबाद बनाम उजवा दिल्ली के बीच खेला जाएगा। अगला मैच एलानाबाद बनाम उजवा दिल्ली। मुन्ना बात कर रहे थे इंडिया कप, इंडिया कप की, इंडिया कप के चैंपियन खिलाड़ी है, जबरदस्त बल्लेबाज है, गेंदबाज है तैयार वार्नर के लिए, और दिशाहीन, लंबा ओवर हो गया भाई। वंस अगेन एक बार फिर से दारा ने ऑफ स्टंप की काफी ज्यादा बाहर इस गेंद को डाला है, एक्स्ट्रा ग्रिप लाजवाब भाई। चार वाइड अभी तक इस ओवर में डाल चुके हैं। क्या होगा अंतिम गेंद, दारा जी को अब लगाना पड़ेगा, और यहाँ विकेट हो सकता है। रोक लिया, अच्छा प्रदर्शन वहाँ, अच्छी फील्डिंग वहाँ, रोक लिया गेंद को। छह ओवर की समाप्ति, 118 रन। उचाना ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 121 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए। चंदन जांगड़े भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा 118 रन। बिल्कुल थोड़ा चढ़ा नहीं है भाइयों, सभी का स्वागत है। प्रदीप कुमार धायल भी है, नदीम घोड़ीवाला हमारे साथ है, शाहिद गहलोत भी जुड़ चुके हैं, तमाम साथियों का स्वागत है। और अजीत मुंड भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे राजकीय फ्यूर के बहुत ही अहम सदस्य भौंर जी मैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई भौंर जी अब क्या करें, गेंदबाज है नहीं अलग, तो दारा जी को ही लगाया गया है, अनुभवी है। और हंसराज बामू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम साथियों का स्वागत है। आज दारा जी को फिर से संकट मोचक बनना पड़ेगा, अन्यथा रन काफी लग चुके हैं। स्वीकार करते हुए जी हाँ, नदीम जंदूरी की टीम हार के बाहर होगी, अली सिकंदर और जावेद भाटी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए गेंद पे नजर डालते हैं, कैसी गेंद डालते हैं और क्या करते हैं वार्नर। 64 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 20 गेंदों का सामना किया है। डिलीट नहीं हुआ है भाई, रवि भाई डिलीट नहीं हुआ है, वो अपलोड नहीं हो रहा, पब्लिक से नहीं हुआ है वीडियो, डिलीट नहीं हुआ है। आखिरी 5 बॉल पहली पारी की ओर से, ये आज के नाइट का पहला मुकाबला, इसके बाद अगला मुकाबला उजवा दिल्ली बनाम एलनाबाद के बीच खेला जाएगा। एलनाबाद के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की, उस वक्त काका भी हमारे साथ है, बहुत ही यहाँ बता लिया भाई। भाई लास्ट ओवर है ये, अंतिम ओवर है इस पारी का। कड़वासरा अगले मुकाबले में नजर आएंगे भाई, अजीत कड़वासरा और सुंडा आदिल जाबासर जाबासर की टीम में नजर आएंगे, वो उनका मुकाबला संभवतः तीसरा हो सकता है। पूरा मजा आने वाला क्योंकि रन बहुत ज्यादा हो चुके हैं। जी वो अपलोड नहीं हुआ है, छक्का, वाह भाई वाह, वार्नर क्या जड़ा है, तूफान रनों का आ रहा है, बिल्कुल भाई रन बरस रहे हैं, तूफान आ गए, चक्रवात आता हुआ, बढ़िया है भाई बढ़िया है। के माध्यम से उनका भी हार्दिक स्वागत है, कोच राजेश जी छत्रवाल और साथ ही साथ हरमन साके हमारे साथ नियमित रूप से जुड़े हुए हैं, और राजस्थान स्पोर्ट्स लाइव पर पूरे पूरे 2000 दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वाह भाई, डिलीट नहीं हुआ है वीडियो, समझने की कोशिश करें, वहाँ पर भी लगभग 2000 की संख्या है, वहाँ पर भी लगभग 2000 ही है। हाँ शेयर करते रहिए, एक बार फिर से हवा में है गेंद, एक और छक्का, नहीं अब वार्नर जाना पड़ेगा, लेकिन इस खिलाड़ी ने भाइयों काम कर दिया है, वार्नर ने वार किया है और गेंद को हर बार सीमा पार किया है, 6-6-6-6 झड़ी लगा दी थी, फिलहाल झड़ी है वो अब रुकती हुई नजर आ रही है। तेईस गेंदों के अंदर 70 रनों की पारी खेली है, जोरदार, ओरिजिनल तो नहीं है लेकिन वार्नर की तरह नजर आ रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट इनिंग ऑफ बीपीएल सीजन 3। क्या बात है, वार्नर कमेंट्री बॉक्स में आ गए भाई। नदीम धुनरी का मैच अपलोड नहीं हुआ है, आप सभी को बता दें जानकारी के लिए, पब्लिश नहीं हो रहा, फेसबुक का बग्स है उसमें, कमी नहीं रहनी चाहिए वाकई में। फेवरेट पटौदी, बिल्कुल पटौदी, लाजवाब क्रिकेट खेली है इसीलिए तो फाइनल गई है, अच्छी टीम है, स्वागत करो, मजा आ रहा है 2300 की। जी बिल्कुल अशोक भाई, आप सभी का प्यार है, यूं ही जुड़े रहिए, और थ्री के चेप दो शेर फेल दो, क्या बात है भूपेंद्र पाल साहब, स्वागत है आपका, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगले मैच के बाद अगला मैच होगा वो भाई उचाना दिल्ली बनाम उजवा दिल्ली बनाम माफ कीजिएगा एलानाबाद के बीच खेला जाएगा, उसके बाद हो सकता है तीसरा मैच, और ये खराब गेंद है, वन बाउंस के बाद निकल गई है 4 रन के लिए। इस टूर्नामेंट का सर्वाधिक स्कोर बन चुका है भाई यहाँ से, अजय ने भी अच्छी पारी करी,
अजीत गढ़वासरा भाई देखते हैं तीसरा मैच हो सकता है, फिर से गिफ्ट मिलेगा बल्लेबाज को। वार्नर ने लगातार छह छक्के इस टूर्नामेंट में लगाए, फिलहाल इसी बीच में मोहित की गेंद और यहाँ पर चूके, क्योंकि अब वार्नर नहीं है, अब अजय नहीं है, अब वो बल्लेबाज नहीं है जो गेंदों को सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर फेरते हैं। उधर 2200 रुपए जानी साहब दे रहे हैं वार्नर के लिए, जोरदार तालियां दीपक भाई जी, पिछली बॉल जोरदार लगातार यहाँ पर छह छक्के लगाने के उपलक्ष्य में 2200 रुपए का विशेष सम्मान दिया जा रहा है वार्नर उजाना को। प्रदीप बल्लेबाजी का स्वागत, साकिब खान होगा किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे, सारा तेरा ही सारा। और क्या शॉट खेला है, एक और लंबा छक्का, लाजवाब बल्लेबाजी, ऊपर से लाजवाब शॉट, 6 रन मिलेगा। थैंक यू भाई श्याम भाई, बहुत शुक्रिया। लगातार बढ़ोतरी होती हुई 136 रन बनाने होंगे यहाँ, 7 और 42 गेंदें, 136 रन, बहुत बड़ा टारगेट है ये। 7 ओवर हो गए, टोटल कितना, बिल्कुल आएंगे भाई, सुनने में आए आदिल आएंगे। 35 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 136 रनों का टारगेट रहेगा। नाइस पत्थर, दिल का पत्थर साबित होगा। वीरेंद्र दारा संकट मोचन है क्या, इतने संकट मोचन होंगे या नहीं, ये दारा आएंगे, दारा भी बैटिंग करने के लिए। राम राम भाई, सुनील सेन हमारे साथ, उसकी कुछ माँ दी छोरा, इनका यूट्यूब है और तकरीबन 6 लाख सब्सक्राइबर भी है। स्वागत है सुनील सेन, और बहुत बड़े क्रिकेट प्रशंसक है और शानदार कॉमेडी बनाते हैं, जरूर देखें आप कुछ माँ दी छोरा के नाम से यूट्यूब पर, अच्छी कॉमेडियाँ होती है इनकी, 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है इनके जी, बिल्कुल इरफान भाई, लेकिन यहाँ तो बना दिए, बाउंड्री छोटी नहीं है भाई, लतू मेहर रन आज ही बने 124 ही है, 60-65 रन एवरेज स्कोर है यहाँ का, अब आप मान के चलो 60-65 एवरेज है, 135 बना दिए हैं, तो उजाना मंडी की कैसी बल्लेबाजी रही होगी आप सोच सकते हैं। दारा तेरा ही सारा, दिल्ली मोबाइल गैलरी, बिल्कुल रामन्यास, बड़ा है टारगेट पीछा करना, थोड़ा मुश्किल होता है, दबाव रहता है खिलाड़ी पे। मंसूरी का मैच धर्मवीर भाई, संभव होता है तीसरा हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। ये टीम बहुत मजबूत टीम है भाई, और वार्नर बहुत बड़ा धन्यवाद, सुस्वागत, बिल्कुल धन्यवाद सुनील सेन, बहुत अच्छा काम करते हैं, लोगों को हंसाने का आप काम करते हैं, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। हेलो, चलना पड़ेगा भाई डारा को जीतना, तो खालिद बेग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, ऑफ साइड की बाउंड्री थोड़ी छोटी है, लेकिन फिर भी बल्लेबाज भाई खास है। हेलो, एक स्कोरर की व्यवस्था की जाए कमेंट्री बॉक्स में, और भाई साहब क्या हाँ जी, बिल्कुल कर देंगे भाई, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, बिल्कुल कर देंगे, टाइम लगेगा उसमें। नदीम की टीम भाई बाहर हो गई, सुबह उठवा 42 छक्के मारता है भाई, सभी के लिए एक जैसा, लेकिन अब यहाँ नहीं है ना दोस्त, अब जो आज है उनको करना पड़ेगा। नीरज वर्मा स्कोरर बुलाओ, नीरज वर्मा जी प्लीज स्कोरर बुला दें एक आप, बिल्कुल देखते हैं भाई, बहुत ज्यादा रन तो बहुत लगा। बाउंड्री भूपेंद्र भाई लेग साइड में, तो मिड विकेट की बाउंड्री है, तो तकरीबन 50 मीटर की है, और लॉन्ग ऑन साइड की बाउंड्री है वो लगभग 65-70 मीटर के आसपास है, और ऑफ साइड की जो बाउंड्री है, जो पॉइंट है और गली वाली है, वो थोड़ी छोटी है, 40-45 मीटर की बाउंड्री है। उदय भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या होगा आज मैच का, उदय भाई बता सकते हैं। और एक राणा का गोल्डन क्रिकेट क्लब का ये विशेष सम्मान करने के लिए इस पूरे टूर्नामेंट में बेस्ट बॉलर और बेस्ट विकेट कीपर का जो अवार्ड है वो तौफीक भाटी की ओर से देकर के, एक बार चला दे स्कोर कार्ड बताएं, दिखा दें जी हाँ, ये देखिए बल्लेबाजी रही है, वार्नर ने 70 बनाए, 24 में 9 छक्के 3 चौके, और हुड्डा दिल्ली ने 1 चौका 5 छक्के के साथ बहुत बड़ी पारी खेली, दोनों बल्लेबाजों ने रन मारे हैं भाई, और डारा आ चुके हैं स्ट्राइक भी देखिए, और अंकित ने 1 बनाया है, और हुड्डा ने 13 में 37 बनाए थे। गेंदबाजी सोनू 2-19, 1 में हमिद 27, 2 में 35, 1 में 35, और ये पार्टनरशिप रही थी। थैंक यू उदय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और डारा ओपनर आ चुके हैं, सब साथियों एक बार फिर से शेयर कर दीजिए, डारा आ चुके हैं, क्या हाई करेंगे गेंदबाजों का फारा, बहुत वक्त बताएगा, फिलहाल बतौर सलामी बल्लेबाज आ चुके हैं डारा। मंसूरी का मैच राजवीर भाई तीसरा हो सकता है, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम
साथियों पेज को फॉलो जरूर कर लें। आप सभी से निवेदन रहेगा कि पेज को फॉलो करें ताकि इस प्रकार की जो प्रतियोगिता है, इस प्रकार के जो बड़े स्टार खिलाड़ी हैं वो आपको नजर आएंगे खेलते हुए। एक बेहतरीन और एक भव्य प्रतियोगिता का आप सेकंड और लास्ट डे, यानी अगर इस प्रतियोगिता की बात करें तो 14वां दिन है, 14वें दिन में हम लोग पहुँच चुके हैं। कल इसका आखिरी दिन होगा। अगर आपका ने बात निश्चित तौर पे कल इस फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आज आपने देखा एक वानर उचाना नाम की तूफान, एक तूफानी पारी। हमारे इलियास कादरी बता रहे थे कि इन्होंने सामने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पे भिड़े हो गए हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि इन्होंने ब्रेकफास्ट भी किया है, खाना भी खाया है, लेकिन खाना खाते हुए ऐसा लग रहा है कि उन्होंने किसी बल्लेबाज का हाईलाइट देख लिया हो, सभी छक्के वाले। और वो हाईलाइट देखकर वही पुनरावृत्ति आकर इस मैदान को उन्होंने दिखाया है। वानर उचाना क्रिकोन की जर्सी पहने हुए हैं, भारत की एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता जो कि हाल फिलहाल में कुछ महीने पहले क्रिकोन कप खत्म हुआ है, वहां भी एक बहुत ही, अगर इसका आप क्वालिटी देखेंगे यूट्यूब पर tenniscricket.in पे 1.7 मिलियन समथिंग सब्सक्राइबर है tenniscricket.in का, उसी पे इस प्रतियोगिता का लाइव प्रसारण किया गया था, आप उसे देख पाएंगे। बेहतरीन क्वालिटी, मानो ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई इंटरनेशनल मैच नहीं देख रहे हैं। बल्लेबाजी करने के लिए यहाँ पे हम बात करें तारानगर की ओर से, भाई नाम नाम भाई नो स्ट्राइकर नाम कीपर के लिए ग्लव्स दे केवल आज ही पहले पिछले एक महीने से जो राजस्थान में इन्होंने भी 8 गेंदों में 8 छक्के लगाए। साथियों लीजिए डारा है तैयार, कर दीजिए शेयर, कैमरा घुमाओ, ग्राउंड के दर्शकों दिखाओ, बिल्कुल दिखाएंगे। और आते ही पहली गेंद डारा ने किया है प्रार, गेंद गई सीमा पार 4 रनों के लिए। जी हाँ, जैसे देखा कि हुडा जी ने गेंद पीछे डाली है और डारा ने किया है वार, सीमा पार किया है गेंद को। ये खिलाड़ी अगर 6 ओवर तक टिक गया तो फिर ये रन बहुत कम नजर आएंगे, अगर जल्दी आउट कर दिए हैं तो बिल्कुल गेम चेंजर है, ये मैच को घुमा देते हैं। फिलहाल क्या करते हैं यहाँ पर देखना होगा। धारा अगर गेंद मारेंगे तो फिर बाउंड्री के बाहर जाने वाली है। यह पहली गेंद से ही उन्हें अपने कहते ना कि पहली गेंद से ही वो सेट होकर आए हैं, क्या दूसरी गेंद पे क्या करते हैं, ये रुकने वाले हैं नहीं, चाहिए विकेट। डारा फिर से फायर करते हुए 4 रन के लिए, बैक टू बैक 2 चौके निकलते हुए डारा के बल्ले से। वाह डारा वाह डारा, क्या खेल खेला है। थैंक यू भाई दिनेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। करूँ कल से पहले हमने ज्यादा बाउंसर का इस्तेमाल होते हुए देखा नहीं था, लेकिन कल से काफी ज्यादा बाउंसर गिरा भी है और कई बार बाउंसर का नोबॉल भी हुआ है। निश्चित तौर पर जब अच्छी टीम गिरती है तो फिर ऐसी ऐसी घटनाएं घटती रहती है, क्योंकि वो बाउंसर एक ऐसी गेंद होती है वहाँ पे बल्लेबाज को। जी हाँ, पर्सनल टीम का सपोर्ट करें, बिल्कुल भाई बहुत स्वागत है। इकबाल जी पूरी हमारी टीम पलटन हमारे साथ जुड़ चुकी है, सभी का स्वागत है। और डारा जी आ चुके हैं तो आज कम से कम भाई टारगेट रहेगा जो देखते हैं। साथियों लाइव ऑन कमेंट्री बेस्ट है, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। और प्रमोद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रन भाई जो बनाए हैं वो जो गेंदबाजी कर रहा है उन्होंने बनाए हैं 33 रन और 76 के आसपास रन बनाए थे उचाना, वार्नर उचाना ने। फाइनल कब कल होगा मानक भाई, कल नदीम की टीम मार के बाहर हो गई है भाई। एसएफ बडवान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अल्ताफ हुसैन खान को मेंशन किया, तो अपने अपने साथियों को मेंशन कर जगा दीजिए सबको। डारा आया फायर करते हुए नजर आएंगे, लाजवाब के नालवा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े क्रिकेट प्रेमी हमें सारे जुड़े हुए हैं। और वानर दीपू एक जैसे बिल्कुल देखने में बिल्कुल सेम लगते हैं और खेलने में भी सेम है, तो शेयर करते रहे दोस्तों मुकाबले को, एक एक शेयर आप सभी जरूर कर दें।
अगर एक एक शेयर कर दिया तो बहुत बड़ा हो जाएगा। पहले ये ओवर लेकिन नतीजा बदला नहीं है। दो गेंद तीन रन, लक्ष्य की बात करें तो 136 रन। देखते हैं भाइयों यूं ही जुड़े रहिए। इस बड़े लक्ष्य को पीछा करने के लिए बहुत संघर्ष। और अब दोबारा नहीं डाल सकते भाई, YouTube नहीं है, Facebook पर ही लाइव है। लाइव मस्त है, थैंक यू सो मच सभी साथियों का। एक बार फिर से एक और ऊपर, यानी नो बॉल, दो बाउंस बैक टू बैक। अब फ्री हिट रहेगी भाई, डारा को बाउंस नहीं डाल सकते। अब बाउंस डालेंगे तो फिर से नो बॉल हो जाएगी। तो अब कहाँ डालेंगे ये गेंद, आउट होंगे नहीं तो फिर मामला अलग हो सकता है। जेडी खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रामयास सभी भाइयों का शानदार लाइव। वीरेंद्र जाट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है वीरू आपका। और इकबाल चंगल ने भाई, चंगाल ने जिनको मेंशन किया, सभी जुड़ जाइए हमारे साथ। बड़े नाम इन्होंने मेंशन में किए हैं। फ्री हिट है डारा के लिए, क्या करते हैं डारा। ओ बच गए बल्ले गेंदबाज, नहीं बचे हैं, वाइड है। फिर से फ्री हिट जारी रहेगी यहाँ पे, एक और फ्री हिट जारी रहेगी। उदय भाई हमारे पास में ही है। तारा का तूफान आने वाला है। फिलहाल दो गेंदों में दो मार चुके हैं, फ्री हिट रहेगी यहाँ। क्या छक्का लगाएंगे डारा, या फिर होंगे गेंदबाज हावी। फिर से हवा में, फिर से नो बॉल, बिल्कुल कंधे के ऊपर। भाई कमेंट्री की आवाज यहाँ तक पहुंच नहीं रही है भाई, क्या करें, काफी स्लो आवाज आ रही है। देखते हैं भाई इरफान भाई क्या होता है। थैंक्स एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम साथियों का। अजय होटल जो महसूस कर रहे हैं गेंदबाज, ये किस चीज का है, ये आपने टोटल किया उसका नहीं है, ये जो दबाव है ना जो डारा अभी। और थ्री के बिल्कुल करीब पहुंच रहे हैं, तो साथियों थ्री के बहुत जाने चाहिए। जिस प्रकार का मुकाबला है, प्रकार से डारा खेल रहे हैं जी। हाँ शेयर करके आया हूँ, स्वागत करे, बिल्कुल स्वागत है भाई। दारा का एक और हमला हुआ जी, यहाँ कर दो भाई थ्री के। यहाँ बहुत ही लाजवाब मुकाबला चल रहा है साथियों, बहुत ही अच्छा मुकाबला चल रहा है। पहला ओवर है, अभी भी दो गेंदें डाली गई है। दारा ओपनिंग आए हैं बिल्कुल भाई, और ये लीजिए हमारी एक और चौका। छक्कों के लिए जाने जाते हैं लेकिन फिलहाल चौके लगाते हुए यहाँ डारा। चार गेंदें आई हैं, 20 रन मार चुके हैं। यहाँ पे भी चौकों की बरसात हो चुकी है, चार चौके और चार अतिरिक्त। अभिषेक शनि जुड़े हमारे साथ, राम राम भाई, सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। राजक्रिकेट फीवर पेज पर शेयर कर दे भाई एक बार मुकाबले को, सभी साथी काफी अच्छा मुकाबला होगा। वीरेंद्र डारा छह में छोड़ा, राम खेल रहे हैं, काफी कुछ निर्भर करता है वीरेंद्र डारा पर। इसी बीच बहुत बेहतरीन शॉट वीरेंद्र डारा के बल्ले से, महाबली के बल्ले से निकलता हुआ ये। वार्नर उचाना भी बहुत जबरदस्त बैटिंग करके गए हैं आज, बिल्कुल दो हार्ड हिटर बैट्समैन हैं, हरियाणा से वार्नर उचाना और राजस्थान से वीरेंद्र डारा। इन दोनों पर ही कर पाते, सात गेंदों का सामना करते हुए 22 रन बना चुके हैं डारा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप भाई, बिल्कुल आज का हूँ आज बिल्कुल बिल्कुल छह से छह लगेंगे हम, आप देखते रहें। एक थोड़ा भीड़ बहुत है आज पर रुकेगा नहीं, एक बार आप इसको रिफ्रेश करते रहें बस। एक और छक्का लगता हुआ डारा के बल्ले से, जबरदस्त। डारा ऑन फायर, चौधरी क्रिकेट क्लब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शायद हमारे साथ दिनेश सियाग हैं या अशोक भाई साहब हैं, ये सब ठीक चीज जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बढ़िया है भैया, आप बताएं कैसे हैं। गुलमान बड़ा के राजगढ़ से और रमेश चौधरी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बिसाऊ से ब्रदर। यहाँ पर चार चार लाइव चल रहे हैं अभी, तीन तीन सॉरी तीन लाइव चल रहे हैं और दर्शकों की संख्या काफी है, उसी वजह से
खत्म कर नीरू खत्म हॉटस्पॉट लगाओ नहीं आऊंगा पहले और चाहिए। नेटवर्क की दिक्कत थोड़ा दूर कर देते हैं, अगर कोई आती है तो दूसरे मोबाइल से झुकेगा नहीं डारा, बिल्कुल 3000 के आसपास हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विनय भाई, कुछ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी पर उसके बाद में शेयर कर दिया। दिल साथ जुड़ चुके हमारे साथ कटरा से, बहुत बहुत स्वागत है दिल साथ भाई, सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। नीलू के हाथ में दूसरे ओवर की रिस्पांसिबिलिटी पर दूसरे और आरिफ जी जुड़ चुके हमारे साथ और उन्होंने एक शायरी लिखी है डारा के लिए, कमेंट कुछ ज्यादा आ रहे हैं तो निकल गई है वो शायरी। दीवार वहां पर थोड़ी सी मिसिंग देखने को मिली है, बॉल चली जाएगी बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। ओके ब्रो सही कर दिया लाइव अभी बॉल में 28 रन बना के डरा। 7 ओवर में 36 रन बनाए, अगला मुकाबला उजवा दिल्ली बनाम इलाहाबाद के बीच खेला जाएगा। इलाहाबाद के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है। एक बार फिर नीलू कमेंट्री बॉक्स से दूसरा नंबर इस्तेमाल जोन भास्कर जोन कुमार भी जुड़ चुके हमारे साथ। राम राम भाई, राम राम। दिलतारा ने फांद्रा क्रिकेट स्टेडियम पर मौजूद तमाम दर्शकों को खुश कर दिया है और उम्मीदें साकार की है कि 136 रनों के टारगेट को भी चेस किया जाएगा। अशोक भाई सब वो अपलोड हो जाएंगे धीरे धीरे, आपको मैंने ये दिखा रहा है लेकिन वो अपलोड हो जाएंगे, आप थोड़ा वेट करें। बिल्कुल लाइव पूरे चले थे लेकिन पता नहीं क्या टेक्निकल, और ये वीडियो भी शायद आज अटकेगा, अपलोड नहीं होगा क्योंकि इस वीडियो को भी अभी मैं देख रहा था, हमारे साथ ही लाइव कर रहे थे तब, इसकी स्ट्रीमिंग 8 घंटे की दिखा रहा है तो कुछ दिक्कत चल रही है शायद। डारा जी अगले साल सिरानी विभाग की डारा बुक कर लिया पहले ही जहूर सिरानी ने इंसाफ के चलते। मैं सभी के कमेंट पढ़ना, फर्स्ट ब्रेक थ्रू पावर प्ले के दौरान अर्जित करने में कामयाब ताहिर के बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं। उदय भाई जी राम 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 राम। अजीत अपग्रेड होया अपना मोबाइल, चोको नेट स्लो है, हम भी थोड़ा स्लो है भैया पर ज्यादा नहीं है दर्शकों की संख्या। राजेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं डाला हमारे साथ जयपुर से, बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र भाई। 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर देखो चौधरी बगासरा पूरी डारा जी रामनिवास चौधरी गोल्डन क्रिकेट क्लब को भाई राम राम सफल आयोजन के लिए दीपक भाजी नीतीश राणा की ओर से टूर्नामेंट खत्म होने के बिल्कुल भी डारा को स्ट्राइक देना उचित रहेगा। के नेवड़ा 4/10 आज बिल्कुल भी 2-3 लाइव चल रहे हैं हमारे साथी निर्दोष के चैनल पर भी लगभग इतनी लाइव है। डारा जी और शाकिर खान जुड़ चुके हमारे साथ, आज 1 डाउन ओपनिंग करने के लिए आए हैं शाकिर भाई। डारा जी आज साकिर भाई हमारे साथ इंतजार लाभ दूसरी जुड़ चुके हैं। राम राम भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, आज किसी की बैट नहीं दिखा सकते यार क्योंकि थोड़ा नेटवर्क में दिक्कत है और बड़ा मुकाबला है तो चाहेंगे कि लाइव से चलता रहे। सीपी सीपी नागर जुड़े हमारे साथ, आपका भी स्वागत है। ऐसा बड़वान बिल्कुल डारा के साथ, हाँ बिल्कुल डारा का साथ देना होगा बिल्कुल, जो भी टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी भाई। उचाणा में वार्नर उचाणा में बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया था, 70 रन के आसपास स्कोर बनाया था। 37-37 रन ये ओवर नंबर दूसरा है, पावर प्ले का आखिरी ओवर है, 7-7 ओवर का ये मुकाबला। उसके बाद मुकेश खोलिया डिडवाना जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है, सभी साथियों का हार्दिक स्वागत। जो की कॉमेंट्री बहुत शानदार हो रही है, मुकाबले को आप शेयर करते रहे, सभी साथियों को मेंशन करते रहे। ये लो भाई एक और जबरदस्त शॉट है डारा के बल्ले से, बिल्कुल आ चुके हैं, बहुत ही जबरदस्त शॉट है। राजा क्रिकेट संकेत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, आपका भी हार्दिक स्वागत है। नदीम गोड़ीवारा का भी स्वागत है, और लो बिल्कुल लग चुका है एक और छक्का, 10/34 हो चुके हैं। राम जंगड़ा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, रणडी खान खान आपका तहदिल से स्वागत है राज क्रिकेट फीवर पर हमारे, बहुत ही पुराने दर्शक हैं काफी दिनों से राज क्रिकेट फीवर के साथ में जुड़े हैं। ये लो ओपनिंग भी छीन ले
ओपनिंग भी छीन लेगा आप डारा राजेंद्र चौधरी डाला बोल रहे हैं। नहीं नहीं, यहाँ पर ओपनिंग ही करानी करवानी आवश्यक है क्योंकि सात सात ओवरों का मुकाबला है। अनिल मोटू भाई, आपको हरियाणा से बहुत प्यार मिला? हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा प्यार मिलता है मुझे हरियाणा से और मैं इसी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा राजस्थान बॉर्डर और साथ में पंजाब, तीनों स्टेट मेरे लिए समान है। अभी मेरे शहर की टीम भी खेलेगी रामपुर मंडी आज दोस्तों, और गग्गू गिल आपको खेलते नजर आएंगे, मेरे साथी छोटे भाई आदमखोर गग्गू गिल, तीनों स्टेट मेरे लिए बराबर है। राम राम शाह, वीरेंद्र मीणा जुड़े हैं, इसी क्षेत्र में घूमता रहता हूं मैं, हरियाणा राजस्थान बॉर्डर एरिया, राजस्थान का बॉर्डर एरिया शेखावटी कह सकते हैं आप, और पूरा हरियाणा और उसके बाद में पंजाब, और हल्की हल्की बूंदाबांदी हमें देखने को मिल रही है अभी ग्राउंड के अंदर थोड़ी सी। योगेश शर्मा हेलो भाई, राम राम, तो ये लो भाई आपकी बार खरबूजे का देख कर खरबूजा रंग बदलता हुआ, बंटी ने भी एक छक्का उड़ाया है, यहाँ से दो गेंदों में सात रन बनाकर खेल रहे हैं। देखो चौधरी बुरासरा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, सभी साथियों के कमेंट पढ़ना मेरे लिए इतना आसान नहीं है, कुछ साथियों के पढ़ पाऊंगा भाई, तो आप कमेंट बहुत तेज गति से निकल रहे हैं। जाट देसरा चौधरी जुड़े हमारे साथ, उदय भाई राम राम, राम राम भाई, वैसे भाई और तारानगर की खिलाड़ी जो हम के बारे में जानकारी तो नहीं है, आपकी बार बोल बहुत अच्छी फील्डिंग हुआ, इंसाफ किसी बढ़िया भाई आप बताएं। बिल्कुल भाई, एक बार शेयर कर दे, टारगेट 5K का रहेगा, जब तक डारा बैटिंग करते हैं तब तक आप शेयर करते रहे हर छक्के हर चौके पर, बिल्कुल दोनों साइड से अगर रन बनते हैं तो ही मुकाबले में तारानगर बनी रहेगी, क्योंकि काफी बड़ा टारगेट सेट किया है उचाणा की टीम ने, और वार्नर उचाणा ने काफी प्रभावित किया है। बॉल ये किसान की है दोस्त, सिक्सर की टाइप की होती है, निवेश थोड़ी हैवी होती है ये बॉल, ये लो भाई एक और जबरदस्त शॉट, डारा के बल्ले पर आएगी तो बिल्कुल बाहर ही जाएगी, बहुत दूर, अब ये गेंद नहीं आएगी भाई वापस, आज ये बाजरा कमेटी को नुकसान बहुत होने वाला है गेंदों का, क्योंकि ग्राउंड छोटा है, बाउंड्री जो है उसके बाहर शहर स्टार्ट हो जाता है, धारा नुकसान यहाँ। युगांडा से हमारे साथ राशिद हुसैन जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत, नहीं 10 के तो नहीं होंगे, सात सात ओवर के मुकाबले हैं, तुरंत प्रभाव से ये समाप्त हो जाते हैं, ज्यादा लंबे नहीं चलते उसी वजह से 10 के तो नहीं होंगे यहाँ पर, लेकिन बिल्कुल आप करवा सकते हैं भाई, अगर आप शेयर करते रहें और अपने साथियों को मेंशन करें तो बिल्कुल आप 10 के भी करवा सकते हैं, और 10 के गए भी हैं अपने लाइव में चूरू में। आपकी बार बैट और बॉल का संपर्क नहीं हुआ, 12 गेंदों में 40 रन बना खेल रहे हैं। मोनू शर्मा जुड़े हैं, राम राम मुझे भाई, मोनू बगड़ से स्वागत है, मोनू भाई आपका बगड़ से वासा जुड़े हैं। मनीष मीणा आप तो बिल्कुल इंटरनेशनल के बराबर खेल रहे हैं, डारा काफी प्रभावित किया है, इंटरनेशनल कोई कमी नहीं है, जिस तरह का फेम इंटरनेशनल खिलाड़ियों को मिलता है, राजस्थान से प्यार मिल रहा है पूरा डारा को, पूरा राजस्थान चाइना से लाइव देख रहे हैं हमारे साथी चंदन लेफ्टी, चाइना गए हुए आज घूमने के लिए, और कल ऑस्ट्रेलिया थे, कल हम भी जाएंगे चंदन भाई के साथ में कनाडा। काका जोरड पधारे हुए जिनके 15 साल की भतीजी को कैंसर है, काका जोरड इस प्रकार के टूर्नामेंट में जाते हैं, 2 मिनट का अपना स्टंट करते हैं और वहां से जो भी आर्थिक सहायता उन्हें मिलती है उससे वो अपनी 15 साल की भतीजी का कैंसर का इलाज करवा रहे हैं, तो इस मुकाबले के तुरंत बाद वो अपना 2 मिनट का स्टंट दिखाएंगे, आप उनका स्टंट जरूर देखें और अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार अपनी अपनी हैसियत से काका जोरड की भतीजी के लिए आप आर्थिक सहायता जरूर करें, ब्लड कैंसर उनकी भतीजी को है। भीम सिंह राम राम भाई, नवीन जंगड़ राम राम भाई, नवीन जंगड़ जुड़े हमारे साथ है, जिंदगी बचाने के लिए कड़ा संघर्ष काका जोरड भी कर रहे हैं, गाडा खेड़ा से उदय भाई हैं भाई, आज मनु मेरे साथ में बैठे हुए हैं, पहली इनिंग में मनु ने कमेंट्री की थी और मैं लाइव को संभाल रहा था ताकि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि दर्शकों की संख्या काफी ज्यादा है ग्राउंड के अंदर और तीन तीन लाइव चल रहे हैं तो एक साथ में
कम से कम मोबाइल पड़े हैं तो हमारे पास 10 के आसपास मोबाइल हैं। अरशद शमसू पठान जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वाइट बॉल होगी नीचे की अंपायर का इशारा। बिल्कुल 13 गेंदों में 40 रन बनाकर खेल रहे हैं, यहां से आ सकता है 24 गेंदों में 78 रन की। अब डारा को ही कमाल और धमाल करना होगा यहां से। पहले इनिंग में वार्नर उचाणा ने 70 रन बनाए थे दोस्तों, उसी की बदौलत टोटल जो हुआ था। और अब की बार बॉल हवा में है भाई, दो फील्डरों के बीच में है, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी चली जाएगी, ये मिस हिट भी बाउंड्री लाइन से बाहर भाई। महाबली के बल्ले से एक और शॉट निकलता हुआ। राजस्थान में डारा का आतंक है। सलीम खान जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है सलीम भाई। और पवन पहाड़ सर भी इस मुकाबले में हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पवन भाई, राम राम स्वागत है। शोएब कुरैशी राजगढ़ से भी जुड़ चुके हैं, 4 सिक्स इस ओवर में बता रहे हैं शोएब खिल्लू राजगढ़ से। कल इनकी टीम हार गई थी, लेकिन हमारे साथ इस लाइव में इस प्रतियोगिता का आनंद उठाते हुए। ये लो एक और, ये तो जाएगा भाई, बैट से निकलते ही पता लग गया था कि बॉल बाहर जाएगी और ये ग्राउंड से बाहर जा चुकी है गेंद। फॉर्म देखी लेकिन ऐसी नहीं देखी भाई, बिल्कुल क्या बात है। डारा एक और फोटो अपलोड होगी डारा की कल, जो कि इस ड्रेस में होगी, चौधरी क्लब की ड्रेस है ये, सिक्कर लगभग इसी किट में डारा खेलते हुए नजर आते हैं। राजस्थान टेनिस क्रिकेट में डारा के बराबर भाई, सभी के कमेंट पड़े नहीं जा रहे हैं, कमेंट बहुत तेजी से जा रहे हैं। समाज अंकित शर्मा, तरुण पवार को याद कर लिया हमारे साथी अंकित ने, महाबली नहीं है भाई तारा शो। अब भी यहां से बहुत कुछ करना बाकी है, 22 गेंदों में 11 छक्कों की आवश्यकता है, 66 रन की आवश्यकता है। बिल्कुल अपना काम कर दिया है डारा ने, 15 गेंदों में 52 रन बना चुके हैं, लेकिन अब भी यहां से 22 गेंदों में 66 रन की आवश्यकता है। राम राम भाई भागीरथ समाज का नाम एक और छक्का डारा के बल्ले से भाई, 4000 दर्शक के आसपास लाइव है, कम से कम 5000 दर्शक होने चाहिए भाई। इसको खिल्लू बोल रहे हैं राजगढ़ से शोएब, रिंग को कटारे जुड़े। बिल्कुल भाई आपके नाम ना मिलूंगा, आपके कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, आपके नाम ना मिलूंगा। प्रमोद नायक धन्यवाद, अजीत बिट्टू मुंड, गुलमान बुढ़ाकिया राजगढ़ से, पवन जाट पहाड़ सर से, सोनू खान सिम्मा खान, प्रदीप कुमार धायल, विदेश से हमारे साथ 3000 लाइव दर्शक जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब एक बार रुका था तो अब फिर से चल गया है, कुछ डिस्टर्बेंस तो होती है, बड़ा मुकाबला है। राज के 4000 लाइव दर्शक जुड़े हुए हैं, भारत के नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया और तमाम विदेशों से सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने रंग में शुक्रिया, आज समय के बाद में वापस की। 135 बना दी, कौन जान रहे लेकिन उनकी जान जो है हवा में आगे लग जाएगी, उनकी भी धड़कने तेज हो जाएगी। एक डारा सबके भारी पड़ रहे, अकेले डारा जो है इस मुकाबले को फिनिश करा पाएंगे। डारा बोल रहे भाई, एक बार समाज दोध का, ओके भाई समाज दोध का नाम ले लिया भाई, लेकिन दूसरी ओर डारा अब तक अपडेट अगो अपडेट अगो, लेकिन क्या इस शक्ति को खेल पाएंगे डारा ऑन अ स्ट्राइक। और ये लीजिए जी एक और खेल, राजगढ़ हार चुके भाई, लगता भी कुछ लग जाता है इतनी तेज शॉट थी।
नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज को भी देखा मैंने पिछले ओवर में कि वो बच के रहे, उनके लिए भी ये मैसेज और संदेश है। वहां पे खराब गेंद है, साथ में ये थोड़ी सी मिस भी हुई है, वाइड बॉल करा दी गई है, वाइड बॉल है ये, अतिरिक्त रन है ये, यहाँ भी छक्कों की छाक लगी हुई थी लेकिन कनेक्शन हुआ नहीं। स्कोर पहुंच चुका है अब 84। सत्रह गेंदों में 52 रन की आवश्यकता है, अगले मुकाबले में नेटवर्क की दिक्कत दर्शकों की संख्या काफी ज्यादा है। नाइन प्रो बाहर जा चुकी है जो वापस नहीं आने वाली। इसीलिए बिल्कुल भाई, अब 16 गेंदों में 46 रन की आवश्यकता है। प्रॉब्लम नहीं होगी, हॉटस्पॉट ऑन कर दिया मेरे मोबाइल से लगा दिया भाई। मुश्किल है हालात तो वक्त बदलने दे। राम राम भाई जी, राकेश जैन बिसाऊ से जुड़े हैं, स्वागत है भाई आपका। उचाना विन श्योर भाई, जो भी टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी, जब तक डारा है 71 रन बना चुके भाई 20 गेंदों में, टेनिस बॉल का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का। बिल्कुल 5000 दर्शकों की आवश्यकता है भाई। अंतिम 16 गेंदे शेष शेयर कर दे भाई। दौरा शो चलता हुआ, एक और बाकी रहे, ओम प्रकाश सैन बता रहे हैं। अब नहीं है भाई, अब नहीं है, अब सही है। मैं तो इतना मारा भी नहीं हूँ तेरे गेंदबाजों को, तू मेरे गेंदबाज को इतना क्यों मार रहा है? मैं तेरे गेंदबाजों को दो तीन बार बक्सा भी हूँ, तू मेरे गेंदबाज को तो बक्स ही नहीं रहा है। कुछ तो कम कर डारा, लेकिन ये डारा विपक्षी को दर्द देता है, ये विपक्षी को बताता है कि कर भी कहा गेंदबाजी करता है। लेकिन सत्ती को सत्ती प्रदान करना होगा, विकेट चटकाना होगा, नहीं चटकाना गया तो ये तूफान थमने वाला नहीं है। अच्छी गेंद, एक ही प्ले है और यहाँ पे सुपर गति की डिप और यहाँ पे बच्चे हैं। बिल्कुल भाई, थोड़ी सी हरियाणा पंजाब में डारा सांस लेते हुए मैच में 10,000 रन हो गई समझो। भूपेंद्र पायल गुरु जुड़े हमारे साथ, सभी को पता लग जाए अभी डारा क्या है। कुछ साथी पूछ रहे थे हमारे और डारा कौन है, तो उनको पता लग जाएगा आज यहाँ से डारा कौन है हरियाणा पंजाब में। बहुत अच्छा किशोर, 60 के बार बॉल हवा में है, वहाँ फील्डर है भाई, और ये बड़ा भी नो बॉल आती है दोस्तों, बड़ा ही रोमांच बनता हुआ मुकाबले। और ये देखिए आप दर्शकों की जो आवाज है वो आप सुन सकते हैं भाई, डारा के लिए बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन। आउट हुए थे कैच आउट, लेकिन अंपायर का इशारा था वन नो बॉल। फाइव के करें भाई, 4500 के आसपास लाइव में है, 5K का टारगेट आप सभी के लिए। जिन भी साथी ने मुकाबले को शेयर किया सभी का हार्दिक धन्यवाद, ऐसे ही साथ सहयोग बनाए रखें। और बिल्कुल आप आज मुख्य कमेटी और डारा के शॉटों का मजा उठाएं। बिल्कुल मौका मिला भाई डारा को, 23 गेंदों में 71 रन, ये फ्री हिट थी। कनेक्शन हुआ नहीं है, पिछले चार गेंदों से डारा दर्द महसूस किए, पिछले चार गेंदों में कोई रन नहीं आया है। अब यहां से जीत के लिए 45 चाहिए, चौथा ओवर है, इसके बाद में तीन ओवर बचेगा, तीन ओवर में भी अगर पांचवा ओवर दर्शक 45 हो चुके हैं, बोरी इनाम चाहिए। अगर इस आखिरी गेंद में बड़े स्कोर आ गए तो फिर मुकाबला बराबरी पे अभी भी रहेगा। अभी भी अगर हम बात करें तो उचाना मंडी टीम कहीं से मैच गंवाई नहीं है, क्योंकि एक ओवर में चार छक्का हार गई। ओल्ड इज गोल्ड शक्ति टीम का है। अगली गेंद और चाहिए डारा बस, हो फील्डिंग में अभी भी कितनी खुशी है, हंस रहे हैं बंदे, अब सल्यूट है मिस यू टॉक्सी दादिया। एक बार इस गेंदबाज के लिए एक जोरदार तालियां हो जाएगी, तरीके से कॉम्बे किया इन्होंने। ओवर की समाप्ति 5 के बाद स्कोर है 91 के नुकसान। अब भाई 12 गेंदों में 45 रन की आवश्यकता है, मुकाबला बराबर पे है दोनों टीमों के लिए, 4774।
फाइव के टारगेट है भाई। ये प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला बादरा से लाइव है और अब बॉलिंग करने के लिए आए हैं वार्नर उत्साह में। वार्नर ने वीरेंद्र दारा को शायद तीन छक्के लगाए थे, तो दारा भी अब स्ट्राइक पर आएंगे भाई, देखते हैं। 12 गेंदों में 45 रन की आवश्यकता, 22 रन प्रति ओवर, बिल्कुल भाई काफी अच्छा टारगेट सेट किया था 4600 के आसपास दर्शकों के लिए। पच्चीस गेंदों में 71 रन बनाकर खेल रहे हैं दारा। मदन जी गोयल भी लगातार हमारे साथ थे, सेलिब्रिटी के तौर पर दो बड़ी हस्तियां लगातार उपस्थित हैं। ये बोल्ड कर दिया भाई वार्नर ने, आउट होने वाले बल्लेबाज हैं बंटी। अब 11 में 45 की आवश्यकता, जोरदार कम बैक किया गया है यहाँ पर, पिछली लगभग 5 बॉल से कोई सलीम खान चला गया है शाम कटारिया का। 8 बॉल चाहिए बनाने में, बिल्कुल 8 बॉल के माध्यम से तकरीबन 10,000 लाइव व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दर्शक आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस टूर्नामेंट को पूर्ण करने के लिए। इस महीने का सबसे सस्ता ओवर पिछला ओवर रहा है इस महीने का डारा के सामने। स्टेडियम पर बच्चे भी 11 बॉल 45 रन और चाहिए तारानगर को, नए बल्लेबाज इस समय क्रीज के ऊपर। 11 गेंदों में अब यहां से 45 रन की आवश्यकता है, सिंगल मत देना बॉलर, बोल रो बिल्कुल। और ये लो भाई सिंगल मिल चुका है डारा आज के स्ट्राइक पर 4700 के आसपास दर्शक भाई, बिल्कुल अब हो सकते हैं 5000। मेंशन करें भाई अपने साथियों को। राजस्थान स्पोर्ट्स लाइव नमस्कार के फीवर के माध्यम से तकरीबन 10,000 व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 4,000 राज क्रिकेट फीवर पर, 3,000 राजस्थान स्पोर्ट्स लाइव पर है और भाद्रा स्पोर्ट्स पर भी 3,000 के आसपास है, कुल मिलाकर के 10,000। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस प्रकार से बड़ी स्क्रीन में हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। बिल्कुल डारा शतक हुआ था, यहाँ से जीत भी सकते हैं 10 गेंदे 44 रन। और ये डॉट गेंद, देखो भाई नेटवर्क थोड़ा स्लो है आज क्योंकि दर्शकों की संख्या भी आप देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा तादाद में दर्शकों की संख्या मौजूद है, उसी वजह से कुछ दिक्कत जरूर होती है। एक और डॉट गेंद भाई, राकेश मीणा, राम राम भाई, राम राम। अबान राजा मनु भी यही है, टूर्नामेंट में भी हीरो रहे थे और शायद चांद टीम की ओर से वो खेले थे और चैंपियन बना दिया था। आज एक बार फिर वार्नर ने अपने आप को यहाँ पर प्रूव किया, पहले बल्लेबाजी में और अब एक हारी हुई पांच अपनी बॉलिंग के दम पर अपने पक्ष में पलटते हुए नजर आ रहे हैं। डारा को पूरी तरह से 8 गेंदों में 44 रन चाहिए, ये लीजिए डारा का छक्का, लेट आया है लेकिन अब यहाँ से कहीं ना कहीं 7 में 38 यानी 6 छक्के चाहिए कम से कम, और 7वीं गेंद पे 2 चाहिए, अब हर गेंद पे छक्का चाहिए भाई यहाँ से। अगर 9 बॉल हो जाए तो फिर और आनंद आ सकता है। लगातार पिछली गेंदे थी उन्होंने डॉट खेल ली है, थोड़ी लेकिन ये खिलाड़ी अलग है, ये खिलाड़ी खास है। एक बार फिर से हमला किया है, एक रन ने लिया है मात्र, तो अगले ओवर में दारा फिर से रहेंगे। अब 6 छक्के मारते हैं तो ट्राई हो जाएगा मुकाबला, 6 छक्के लगाते हैं दारा तो। राम राम भाई, राजेंद्र हमारे साथी हमारे साथ जुड़ने का स्वागत है। दिल जीता इस खिलाड़ी ने, दिल दिमाग गुर्दे सब कुछ जीते हैं। तो कौन आउट डालेगा डारा के सामने, कौन बनेगा डारा का शिकार या फिर डारा बनेंगे शिकार? सुपर ओवर बिल्कुल हो तो आनंद ही अलग हो।
जी हाँ वही दिक्कत है, अकेला था बंदा, बात वही तो है इलियास इंसाफ किंची साहब, बात वही है। धनराज मैया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है, राम राम धनराज मैया हमारे साथी। सभी साथियों यूं ही शेयर करते रहिए और प्रेस को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलिए, इसी प्रकार की मैच नजर आएंगे। बिल्कुल मार सकते हैं, 22 रन दूर है अपने अर्ध शतक से, 22 रन, 6 में 37 चाहिए। डॉट बॉल इन्हीं के ही मारे थे इन्होंने, एक ओवर में 32 रन कोई फॉलो करते रहिए साथियों, फॉलो फॉलो फॉलो, पेज को फॉलो करें, इसी प्रकार के मैच और देखने को मिलेंगे, नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके पास। अगला मैच भी लाजवाब होगा भाई, एलानाबाद बनाम उजवा दिल्ली के बीच होगा। लेकिन एक कारा के लिए हम कहेंगे कि जोरदार तालियां हो जाए दर्शक, हार और जीत सिक्के के दो पहलू हैं। आप जीवन में अगर लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, तो या तो आप सफलता प्राप्त करते हैं या फिर आप कुछ सीखते हैं। लड़ते हैं तो या तो आप जी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों का। बिल्कुल 5K के करीब दर्शक है, 5K के ऊपर जा सकते हैं, गेंद हवा में है, 6 रन के लिए लीजिए डारा, फिर से लगाया छक्का डारा ने। ये सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद 5K के पास कराने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। और यूं ही आप जुड़े रहिए हमारे साथ, तो यूं ही फॉलो करते रहिए, आपने हमारे उम्मीदों के बिल्कुल उम्मीद से ज्यादा किया है आप सभी ने, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। और इतना प्यार यूं ही मिलता रहे हमेशा के लिए भी। और एक और हवाई हमला, एक और छक्का, 2 में 2 लगा दिए हैं, 90 में जा पहुंचे हैं, शतक लगा सकते हैं डारा, 2 में 2 छक्के लगाए तो शतक लगे, 2 गेंदों में 2 छक्के लगाते हैं तो फिर शतक लग जाएगा, 90 बनाए भाई, 33 में। अगर कोई नो बॉल नहीं आया तो लगभग टीम हार रही है, तो हार के भी जीतेगी। यहाँ युवराज सरवाल भी देख रहे हैं लाइव, क्या बात है युवराज भाई, फाइनल में जा चुके हैं। साथियों पेज को फॉलो जरूर करना, डारा क्या लगाएंगे शतक, क्या देखने होगी गेंद, जी हाँ वाइड हो गई है, फिर भी मौका है, यहाँ से शेयर करते रहे दोस्तों, क्या शतक लगेगा, बिल्कुल आप शेयर करेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ शतक लग जाएगा। बेहतरीन मुकाबले को क्या मुकाबला घटा, इकला कहीं ना कहीं, लेकिन संघर्ष इस खिलाड़ी का लाजवाब था। ये लीजिए शतक से, 4 रन दूर है डारा, अब यहाँ से मात्र 4 रन दूर है डारा, 34 में 96, और इस खिलाड़ी के द्वारा 20 गेंदों में भी शतक लगाया गया है, 20 गेंदों में भी शतक इन्होंने मारा है, लेकिन फिलहाल 34 गेंदे, जिसमें इनकी पिछली कुछ गेंदे थी 7 से 8 डॉट बॉल रही थी। और हमारे साथ सुरेश मामा भी जुड़ चुके हैं, स्वागत है, डारा ऑन फायर, 24 गेंद में 70, लेकिन यहां बात क्या शतक लगेगा साथियों, बिल्कुल लग सकता है शतक, तैयार रहे हो जाइए, एक दूर है, क्या शतक लगाएंगे, ये लीजिए डारा का 100 रन शतक, लेकिन मुकाबला हार गए हैं, पहला शतक इस टूर्नामेंट का, तालियां बजा रहे हैं, ये देखिए वाह भाई डारा, दिल जीता है मैच नहीं जीता, शतक मनाया है डारा ने, वाह भाई डारा वाह वाह डारा जी वाह, क्या कमाल की बल्लेबाजी की है। और उचाणा देखिए, वार्नर भी उनको खुशी दे रहे हैं, ये देखिए भाई खिलाड़ी ये कुछ खास है, शतक लगाया है डारा ने, और दर्शक मैदान में भर चुके हैं, ये देखिए इस खिलाड़ी की सपोर्टर देखिए, हारने के बाद किसी खिलाड़ी को इस प्रकार से उठा लिया जाता है, अभी फाइनल हुआ नहीं है, अभी दौर बाकी है, वो सिरमौर बाकी है, ग्राउंड भरा हुआ है, इसी तरीके से मिलेंगे आपको, बहुत सारे दर्शक हमारे साथ मैदान में जुड़े हुए हैं, डारा को उठा लिया भाई, यहाँ डारा छा गया है, यहाँ बादरा की सर जमीन पे, दिल जीते हैं मुकाबला नहीं जीता है, कड़ा प्रहार डारा ने किया है, इसे कहते हैं बिल्कुल भाई, हार कर जीतने वाले को डारा कहते हैं, डारा का पाई है हारा, क्राउड देख सकते हैं पूरा भादरा सपोर्ट में है, और पूरी उजवा दिल्ली इनके सपोर्ट में, तो उत्साहना मंडी की टीम थी, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है डारा को, डारा को घेर लिया है भाई चारों तरफ से, देख सकते हैं, देख सकते हैं डारा को आप, बड़ा होने वाला है आज, अभी तो काफी है यार, ऐसा लगता है कि फाइनल जीत लिया, लेकिन फाइनल नहीं जीता है, अभी तो और भी होगा,
मौजूद हैं, ये तो मैं इनके लिए ये कहना चाहूंगा कि हर मोड़ पे मुकाम नहीं होता, दिल के रिश्तों का कोई नाम नहीं होता। सुन ले पूरी सुन ले, हर मोड़ पे मुकाम नहीं होता, दिल के रिश्तों का कोई दिल के रिश्तों का कोई नाम नहीं होता, और आप जैसा बल्लेबाज मिलना वीरेंद्र ढारा आसान नहीं होता। और एक और कहे, ये सवाल नहीं ये जवाब है, ये सवाल नहीं ये जवाब है, और राजस्थान टेनिस क्रिकेट का दारा नवाब है। 35 गेंद 102 रन, आपने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, 35 गेंदें खेले 102 रन बनाए, क्या लगता था कि ये जब आप बल्लेबाजी करने आए कि 137 136 आप चेस कर लेंगे? देखो काम तो मुश्किल हो गया, 20 मिनट बहुत अधिक हो गए, हर ओवर में 4 छक्के मारना एक और बात, आप इस वक्त पूरे राजस्थान में आप किसी ग्रुप को खोल लें, किसी आप टेक्स बॉल के चैनल को खोल लें, सिर्फ डारा डारा डारा, अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे, राजस्थान के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मुझे हमेशा हमारे राजस्थान दर्शकों से बहुत प्यार मिला है, अभी जैसे क्रिकेट में अच्छा टाइम चल रहा है तो इसलिए और भी प्यार मिला। आपको 1100 रुपए का पुरस्कार गोल्डन क्रिकेट क्लब की ओर से, यानी इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर, बादरा प्रीमियर लीग के ऑर्गेनाइजर गोल्डन क्रिकेट क्लब की ओर से 1100 रुपए दिए जाएंगे। विमल गोयल जो ऑफलाइन, ये कैश ही देंगे, ऑनलाइन देंगे नहीं, कैश देंगे, क्योंकि कैश लीजिए और एस कीजिए, आज इन्होंने गोल जीता है। और साथ ही साथ वसीम कुरैशी की ओर से आपके सभी खिलाड़ियों को, खास तौर से आपकी बल्लेबाजी पे, एक रॉयल एसटी की तरफ से एक वीआईपी पार्टी भी दी जाएगी, एक जोरदार तालियां। कैसा लगा दर्शक, आया सलाद? वाह, अभी और पैसे आ रहे हैं शायद, ऐसा लग रहा है। अरे भाई और इनाम है, अरे क्या कर रहे हो? शिव प्रॉपर्टी भादरा की ओर से 500 का प्रोडक्ट। दारा भाई आ जाए भैया, चेयर टूटेगा। सूरज प्रजापति और शिव प्रॉपर्टी की ओर से 500 रुपए का पुरस्कार। सो ब्यूटीफुल बैटिंग मिस्टर वीरेंद्र डारा, जीते हो किसी ने देश तो क्या हमने तो दिनों को जीता है। एक जाट बॉय प्रकार से आज दहाड़ा की सभी को आज मंत्रमुग्ध कर दिया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मुकाबला उजवा दिल्ली बनाम इलाहाबाद, ग्राउंड को खाली कर दिया जाए। इतना सपोर्ट तो विजेता टीम को भी नहीं मिलेगा। भैया इनाम लेने दो, आपको क्राउड दिखाएंगे इतना इनाम। भाइयों ये लीजिए, शिव प्रॉपर्टी अजीतपुरा वाले, उनकी ओर से 500 रुपए का पुरस्कार। फिर हम डारा को पैसे की बारिश हो रही है भाई, शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं अजीतपुरा वाले, इतना दिल जीता है आपको। प्रॉपर्टी की ओर से देखेंगे भाई, पहले डाकर कर देना डारा, भैया दर्शक मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा रुक जाए भैया, मन कर दिया।